एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है और खास तौर से ड्राई स्किन वालों के लिए और भी ज्यादा अमेजिंग है। तो मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था दी कुछ ऐसा स्क्रब बताइए जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेहतरीन हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में जब भी हम बाहर जाते हैं ना, तो पोल्यूशन के कारण और धूल मिट्टी के कारण हमारी स्किन में गंदगी जमा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है और ना जाने पता नहीं कितनी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें एक स्क्रब की जरूरत होती है जो कि हमारी स्किन से अच्छे से डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सके और जो हमारी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो भी लेकर आ सके। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अमेजिंग प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, एक ऐसी ही अमेजिंग चीज आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। आपकी स्किन में जितनी भी धूल मिट्टी और गंदगी जमा हुई है उसे ये रिमूव करने में हेल्प करेगी और प्लस ये आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वो अमेजिंग सा प्रोडक्ट कौन सा है जो कि सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ द ब्यूटी को कॉफी स्क्रब की। जी हाँ, आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे हाथ में ये खूबसूरत सा पाउच है, ये देखिए। इसका जो फ्लेवर है वो है मैंगो और इसमें आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है 100 ग्राम की। जी हाँ, आपको 100 ग्राम का इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किन किन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें है कॉफी सीड पाउडर, मैंगो एक्सट्रैक्ट, शुगर, स्वीट आमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट और विटामिन ई ऑयल। तो इसमें सभी इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आमंड ऑयल इसमें हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल आप सभी जानते हो और विटामिन ई ऑयल भी हमारे डार्क सर्कल्स और रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है गाइस, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसकी हेल्प से आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी है उसे ये रिमूव करने में हेल्प करेगा, प्लस ये आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। ये एक इसका सबसे बड़ा इफेक्ट मुझे लगा है कि आपकी स्किन में ड्राईनेस नहीं आने देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। जी हाँ, ये एक ऐसा पहला स्क्रब मैंने देखा है जो साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए गाइस मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा है। वैसे सभी स्किन टाइप वालों के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आप इसे विंटर्स और समर्स दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। तो इससे पहले मैंने जितने भी स्क्रब यूज करे हैं आज तक, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी वजह से ना मेरी स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती थी, लेकिन जब से मैंने इस स्क्रब को यूज करना स्टार्ट किया ना गाइस, तो मेरी स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी दूर हुई है। विंटर्स के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये कुछ अंदर से इस कलर में है जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए। और इसकी खुशबू की अगर बात करूं तो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मैंगो इसमें इस्तेमाल किया गया है और बिल्कुल मैंगो जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, काफी रिफ्रेशिंग है। और ये जो स्क्रब है गाइस आपने सूखी त्वचा पर इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कोई भी स्क्रब हो हमें ड्राई स्किन पर यूज नहीं करना चाहिए। अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लीजिए जैसे मैं यहां पर कर रही हूं और आपने इसे 3 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और हाँ दोस्तों, एंड में एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप इस स्क्रब को फेस और बॉडी दोनों पर अप्लाई कर सकते हो, इससे आपके फेस की टैनिंग भी दूर होगी और बहुत ही अच्छा एक ग्लो भी आएगा आपकी स्किन में। साथ ही साथ ये समर्स और विंटर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों ही मौसम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है इसका। सो गाइस देखा आपने कितना अच्छा स्क्रब है ये, मेरी स्किन में आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाया है इसने मेरी स्किन को। आप इसे एक बार जरूर इस्तेमाल कर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।